Dear students, this is our next class of development of surfaces. I am Dr. S. K. Tamrakar from Bharti of Engineering Technology, Jodhpur. I am taking engineering drawing in Diploma, and today's topic continues development of surfaces. यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं कोण के क्वेश्चन से, कोण को कैसे डेवलप करते हैं. तो कोण के केस में आपको जो डेवलपमेंट बनाते हैं उसके एंगल निकालने का फॉर्मूला है 360 रेडियस ऑफ बेस सर्कल. यहाँ पे आपको 50 mm डायमीटर बताया हुआ है, इसका मतलब रेडियस 25 mm दिया हुआ है. एंड स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट को वर्क ये आपको मेजर करना पड़ेगा और उस पर हम जब फ्रेम कर देंगे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा, इतने एंगल का हमको बनाना होगा. ठीक है, अब हम इनके लेवलिंग स्टार्ट करते हैं. ये पार्ट आपको बताया हुआ है, पार्ट भी ऐसा कट के दिया हुआ है कि टॉप से 20 mm की डिस्टेंस पर आपको कट किया हुआ है और यहाँ बॉटम से 30 mm का एंगल बनाया हुआ है. तो इनको लेवलिंग कर देते हैं. ये हमारा 1 डैश हो गया, ये 2 डैश बाय 2 डैश बाय 8 डैश, ये 3 डैश बाय 7 डैश, ये 4 डैश बाय 6 डैश, ये 5 डैश, ये हमारे वेक्टर्स आ गए. इनको सबको से ज्वाइन किया. अभी जो पार्ट हमारे कट के आ रहे हैं तो पहला तो 1 से स्टार्ट हो रहा है. दूसरे वाले के आपने हमने लिया पॉइंट ए, देन बी, देन सी, देन डी, फिर सी के नीचे ई, बी के नीचे एफ और ए के नीचे जी. ये हमारे पॉइंट्स मिले. वैसे यहाँ पे हमने पॉइंट एक को पी ले लिया, एक बी वाले को ले लिया क्यू और ये लास्ट वाले को ले लिया आर. ये ऐसे कुछ हमने पॉइंट्स ले लिए जिनको हम देश में वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. 2 डैश 1 डैश, ये हम देखिए 2 डैश 1 डैश लेंथ है और वह टॉप में आपको पैरेलल होता है एक्स वाई लाइन है. तो ये आपको फ्रंट टू में 2 लेंथ देगा. नीचे 2 डैश 1 डैश आपको 2 लेंथ है. इस 2 लेंथ को लेके यहाँ पे पॉइंट को बनाएंगे और उसमें 2 लेंथ मेजर करके वहाँ फॉर्मेशन निकालेंगे कितना एंगल आपको बनाना है. और ये 1 के बराबर कट किया और एंगल जो जानने को मेट किया है वो उतना एंगल यहाँ पे बना लिया. अब यहाँ पे इसको आपने एक पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सर्कल को आपने. ये पार्ट किया हुआ 2, 3, 4 ये हमारे पार्ट हो गए 4, then 5, then 6, 7, and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and once again 1. ये आपको एंगल थीटा आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो यहाँ पे बना दिया एंगल और इसको एक पार्ट में डिवाइड कर दिया. अब ये पॉइंट 1 डैश आपका बेस पर ही है. ये पॉइंट पहला पॉइंट आपके ए पे आ गया पॉइंट 1. उसके बाद फिर ए का आपके यहाँ पे 2 लेंथ दे दिया है. तो 2 लेंथ के लिए आपको एक्स वाई के पैरेलल लोकल साइड स्टूडेंट वाई लाइन में खींचना पड़ेगा. ये मिल जाएगा a डबल डैश. तो हम 1 a डबल डैश का आर्क लेके यहाँ पे कट करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा ए. फिर वैसे ही बी एफ के लिए बी, सी ई के लिए बी, ऐसे हमने एक्स वाई के पैरेलल लाइन लोकल साइड हमने खींच लिए. यहाँ पे ओ 5 mm बता रहा है, यहाँ पे भी हम एक्स वाई के पैरेलल लोकल साइड खींच सकते हैं. अब यहाँ पे ये सी से बी का डिस्टेंस या डी का डिस्टेंस लेके सी से बी का डिस्टेंस यहाँ पे रखा हमको पॉइंट मिल गया बी. देन सी के लिए ये वाला डिस्टेंस या 5c यहाँ पर रखा आपको पॉइंट मिल गया सी. देन डी ये मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट है ये हमको डी मिल गया डी. देन इसके साइड में बैक साइड में आपको सी से ई, सी से डी पॉइंट मिल गया
में सी से बी, सी से एफ, सेवन से एफ पॉइंट, ये सेवन से एफ पॉइंट करके आपको देन आपको एट से जी का पॉइंट मिल गया, ये जी और वन वाला लास्ट। अब ये सबको हमको स्मूथ कर्व से जोड़ना होता है, वन ए बी सी डी ई एफ जी और वन, ऐसा आपको ये कर्व मिल गया। वैसे ये पी और आर का टॉप पार्ट हमको लेना है, ये पी हमको यहाँ से मेजर कर दिया टू लेंथ है, यहाँ से बना दिया पी पॉइंट बी और आर यहाँ से मेजर किया, यहाँ बना दिया पॉइंट आर, क्यू यहाँ मेजर किया, क्यू भी आपसे यहाँ क्यों मिल रहा है, क्यू क्यू मेजर किया, सारे आपको सेम डिस्टेंस में मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक ये सर्कुलर पार्ट बनेगा टॉप वाला, और कॉर्नर की हिस्ट यहाँ पे हम लोग डार्क करेंगे एजेस को बस, और बाकी पूरा शॉप के डार रहेंगे। इसको डार्क करना है, मोटा करने की जरूरत नहीं है, डार्क करना है। ये वाला पार्ट है जो भी इसका पार्ट बताया हुआ है, मेरी मॉडल में आपके एंगल जनरेट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा, इतने एंगल का हमको क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कौन से पार्ट को आपको डेवलप करना है। दिस क्वेश्चन इज गिवन एज अ गोल इज रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कट बाय अ प्लेन फ्रॉम द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस एंड मेकिंग 45 डिग्री विद द एच पी। यहाँ पे क्या मतलब हुआ है, इसका एक्सिस 17 लॉन्ग है और डायमीटर 60 एम है, तो इसका हमने बोर्ड का डायग्राम बना लिया टॉप व्यू, और ये फ्रंट 70 एम एक्सिस है, इसके सेंटर पे 35 एम के डिस्टेंस पे ये सेंटर से पास होके एक प्लेन से कट हो रहा है, जो ये 45 डिग्री का एंगल एच पी के साथ में बना रहा है। अब इसके हम पॉइंट्स बना लें, दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड लास्ट वन इज एट। अब ये फ्रेंचर्स के खींची हमने, अब एट से यहाँ पे हमने फोर डैश को ज्वाइन किया, दिस इज टू डैश बाय एट डैश, वैसे ये थ्री बाई सेवन, थ्री डैश बाय सेवन डैश, ये तो आपका एक्सिस वाला ही लाइन है, थ्री डैश बाय सेवन डैश, ये अगेन फोर डैश बाय सिक्स डैश एंड ये पहुंचे आपका लास्ट वाला फाइव डैश। ये आपको इसका फ्रंट भी है, ये टॉप भी है, वो है डेवलप जिस पार्ट पी, इसी पार्ट को आपको डेवलप करना है होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ओ वन पैदल एक्स वाई है, ओ फाइव पैदल एक्स वाई है, ये ओ वन ओ फाइव पैदल एक्स वाई है, यहाँ पे हमको ओ डैश और वन डैश ओ डैश फाइव डैश, ये हमारे टू लेंथ होंगे। तो जिस चीज के हमको टू लेंथ पता नहीं है उसके हमको यहाँ पे प्रिंटर ड्रा करने पड़ेंगे, लोकल साइड ड्रा करना पड़ेगा, ये हमको नेमिंग करते हैं पॉइंट्स को, हम लोग जिस वन इज ए यहाँ पे आ गया बी बाय बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, लास्ट वन ई, बी के पीछे एफ, सी के पीछे जी और बी के पीछे एच, ये सारे आपके पॉइंट मिल गए, ई डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश, ये हमको पॉइंट्स मिल गए। अब ये बी एच को हमको लोकल साइड खींचना है, यहाँ पे हमको मिल जाएगा बी डबल डैश, तो जब भी हमको बी का लेंथ लेना होगा ये बी डबल डैश टू लेंथ वाले से मेजर करना पड़ेगा, वैसे ही सी और जी का लेंथ लेना है, ये सी डबल डैश यहाँ मिल गया तो वन से सी डबल डैश सी लेंथ से लेंगे, वैसे ही डी और एफ का यहाँ पे
डी डबल डैश हम वो डी डबल डैश के लिए चलेगा तो फाइव डैश डी डबल डैश के लिए चलेंगे तो आपको ये डेवलपमेंट बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ओ डैश वन डैश का यहाँ पे ओ डैश पॉइंट लिया और ये वन डैश का लेंथ यहाँ से मेजर करके यहाँ बना लिया ओ डैश वन डैश वाला और इसको रोटेट कर दिया, रोटेट कर दिया और इसको एक पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अब ये तरीका ऐसा है कि यहाँ से आप मेजर करें क्या डिस्टेंस आ रहा है और यहाँ पर इसको कट कर देंगे। वैसे स्ट्रेट लाइन नहीं है फिर भी चल जाता है। टू देन थ्री देन फोर देन फाइव देन सिक्स देन सेवन एंड एट इसको ड्राइंग कर दिया। आपको एक बात और बताना चाहूँगा, फोन के केस में जो ये हमने कट किया हुआ है उसको डेवलपमेंट करेंगे तो कर्व्स बनाएंगे। इसके पहले पिरामिड किया था, प्रिज्म किया था, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ड्राइंग करते थे, यहाँ पे कर्व यूज होते सारे। ये फिर ओ से टू को ड्राइंग कर दिया, ओ से थ्री को ड्राइंग कर दिया, ओ से फोर ओ से फाइव ओ से सिक्स ओ से सेवन एंड ओ से एट। अब हम यहाँ पे से पॉइंट मेजर करके डेवलपमेंट पे डालेंगे। वन डैश ए डैश ये तो सेम था आपका, ये आ जाएगा वन डैश ए डैश ये आपको ए पॉइंट मिल गया हमें पॉइंट ए। देन वन डैश बी डैश यहाँ से दिया आपके मिल गया पॉइंट बी। फिर ये मिल गया आपको पॉइंट सी पॉइंट सी। देन पॉइंट डी ये यहाँ पे फाइव डैश डी डैश दिया पॉइंट डी मिल गया। फिर फाइव डैश डी डैश दिया पॉइंट ई मिल गया। देन फिर वापस आने पे बैक साइड पे आपको एफ डैश ये एफ डैश मिल गया सिक्स एफ डैश मिल गया। फिर उसके बाद फिर सी से हमको ये जी डैश मिल गया जी मिल गया। देन टू से हमको ये एच मिल गया तो टू से हमको एच मिल गया ये हमको एच मिल गया। अब इसको स्मूथ कर्व से हमको ड्राइव करना पड़ेगा। ये एक के बाद फिर लास्ट में वन वाला और आएगा ना, लास्ट में ये वन वाला और आएगा, ये हमको स्मूथ कर्व से ड्राइव करना पड़ेगा। एच आ गया लास्ट वाला फिर से ए आ गया ठीक है। तो अब ये वन टू थ्री तीन पॉइंट में लेके हम कर्व बनाते जाएंगे। फिर ये ई के बाद और एजेस पर डार्क रहेंगे बाकी सारे हल्के रहेंगे। ये एजेस पर डार्क रहेंगे यहाँ पे हमारे जब भी हम फोन का डेवलपमेंट करते हैं यहाँ पे एजेस डार्क रहते हैं। अधिकतर फोन के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और ये दूसरी तरह के कटे हुए डिफरेंट पार्ट्स मिलते हैं यहाँ पे फोन के ऐसा। ये आपको क्वेश्चन डेवलपमेंट का ये बन के मिल रहा है दैट इज कटिंग एंगल 45 डिग्री टू द एच पी के साथ 45 डिग्री पे कट कर रहा है। आइए कुछ और क्वेश्चन में उसके